हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय माता दी, राधे राधे। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर की बर्फी। तो ये मैंने पिंक, ये जो ऑरेंज वाली गाजर है ये मैंने लिया है। तो मैं इसको पहले ऊपर से मैंने छील के अच्छा से थोड़ा सा साफ़ किया है, फिर इसको मैंने धो लिया है। अभी धो के मैं इसको काट लूँगी छोटे छोटे टुकड़े में। सारे मैं एक साथ यहाँ पे काट के, आप चाहे तो लाल वाले भी गाजर ले सकते हैं, लेकिन मैंने यही गाजर लिया। देखिए मैंने यहाँ पे सारे काट लिए हैं। अब मैं इसको यहाँ पे मिक्सी जार में यहाँ पे रख लूँगी। इसको यहाँ पे रख के अब मैं इसको पीस लूँगी। हल्का दड़दड़ा ही रखना है इसको, पीसना है ज़्यादा मैं ही करके नहीं पीसना है इसको महीन में, तो इसको मैं दड़दड़ा ही पीस लूँगी। ये देखिए मैंने गाजर यहाँ पर पीस लिया है। अभी मैंने इधर में पेन को चढ़ा दिया है और मैं इसमें, पेन हमारे गर्म हो चुके हैं, अब मैं इसमें घी डालूँगी। दो चम्मच मैंने यहाँ पर घी डाल दिया है। हमारा गाजर थोड़ा सा पानी भी यहाँ पर फेंक दिया है। अब मैं इसमें यहाँ पर ये पीसी हुई गाजर मैं यहाँ डाल दूँगी। मैंने फ्लेम को लो कर रखा है। देखिए हमारा गाजर यहाँ पर पानी छोड़ दिया है, और जब तक ये पानी सूख ना जाए तब तक मैं इसे लो फ्लेम पर भी, और गाजर हमारा पकना भी चाहिए तो मैं पानी इसके पानी में, और पानी डालना नहीं हमें, लो फ्लेम पर ही मैं इसे पकाऊंगी ऐसे ही। अब इसे इसको लो फ्लेम पर ही जब तक थोड़ा सा सीज ना जाए हमें इसे पकाना है। देखिए हमारा पानी इसका सूख गया है। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी। जितना चीनी था उसका मैंने हाफ जितना गाजर था उसका मैंने हाफ चीनी दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा मीठा। तो ये क्योंकि यहाँ पे मैंने डाल दिया है। एक दो ठो मोटे यहाँ पर आ गए तो ये सब पिघल जाएंगे इसमें साथ में। ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया। सारे पानी इनके, चीनी का भी पानी इसके सूख गए हैं। मैंने थोड़ा आँच को यहाँ पे तेज कर दिया है, हाई फ्लेम पे रखा है यहाँ। अब मैं इसको यहाँ पे उतार लूँगी। अब यहाँ पे मैंने पहले से ही दूध गर्म करके रखा है, दूध मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है। ये दूध गर्म ही है, बस थोड़ा सा उबाल आने का वेट है। देखिए हमारा दूध चढ़ा दिया। यहाँ दूध में मेरा उबाल आ चुका है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा चीनी डालूंगी। यहाँ पर बड़े चम्मच से मैंने, दो चम्मच इतना मैंने लिया है।
मैं यहाँ पर 2 चम्मच मैंने यहाँ पर ये जो अमूल दूध का मैंने यहाँ पर पाउडर दूध ले रखा है, अब इसको मैं यहाँ पर अमूल दूध का ही लिया मैंने। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल दूंगी, आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल दे सकते हैं। ये देखिए हमारा ये तैयार हो गया। अभी मैं यहाँ पे गैस बंद करूँगी। ये देखिए मैंने ये एक मेरे पास एक कंटेनर पड़ा हुआ था, डब्बा तो टिफ़िन है, मैं इसी में इसको पहले थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा घी लगा के थोड़ा सा ये इसे लगा देना चारों तरफ इसके। इसको ऐसे चारों तरफ लगा देना है ताकि ये पकड़े नीचे ना। ये देखिए मैंने यहाँ पे जो गाजर रखा है, अब इस गाजर को मैं इसमें डालूंगी। मैं इसको ऐसे बराबर कर लूंगी। अब इसको मैं यहाँ पे ये जो बना के रखा है मैंने दूध का एसी के ऊपर में ये देखिए, ये देखिए मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। अभी मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे काजू थोड़ा सा डाल दूंगी। अब मैं इसको फ्रीज में सेट होने के लिए मैं 1/2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। आधे 45 मिनट समथिंग, 45 मिनट इतना छोड़ दूंगी, उसके बाद दिखाती हूँ। अभी मैंने देखा है अभी हमारा सेट नहीं हुआ, मैं इसको और 10 मिनट के लिए और छोड़ूंगी। ये देखिए हमने बीच में एक बार ट्राई किया था देखने के लिए यहाँ से, लेकिन हुआ नहीं था। अभी भी इसको मतलब 10 मिनट और मैंने 45 मिनट एकदम रखेंगे तो आपका एकदम A1 बन जाएगा। सो देखिए हमारा रेडी है और आप एक बार ज़रूर ट्राईगा। मैं अभी आपको काट के दिखाती हूँ। ये अभी और मैं 10 मिनट इसको छोड़ूंगी तो और अच्छा से सेट हो जाएगा। मुझे कहीं जाना है इसीलिए मैंने, और आपको दिखाना भी है। सो देखिए ये देखिए ये देखिए, एक बार आप बनाएं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए आप बनाकर। और कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।